प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चल रहे बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज एडीजी रेणुका मिश्रा ने रायबरेली के एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। सबसे पहले उन्होंने फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके बाद एडीजी ने जनपद के पुलिस अधिकारियों सहित जनपद के सभी अधिकारियों और एनजीओ की बैठक ली, जिसमें उन्होंने पुलिस और अन्य संगठनों से बालिका सुरक्षा को लेकर चर्चा किया। मुख्य तौर पे ये बैठक जो की गई थी वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की तरह की थी, क्योंकि हम समझते हैं कि पुलिस कोई भी समस्या हो पुलिस अकेले इसका सामना नहीं कर पाएगी, जितने अच्छे से कम्युनिटी को साथ लेते हुए स्टेक होल्डर्स को साथ लेते हुए सामना कर पाएगी। तो हमने सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, कुछ एन जी ओज भी थे, हमारे सारे पुलिस के हर थाने से लोग आए हुए थे, हमारे एंटी वीडियो स्क्वाड के लोग आए हुए थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि डीएम की मतलब डीएम थी यहाँ पे, उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज भी किया अपने यहाँ, सीएमओ भी थे, जो जिला प्रोबेशन ऑफिसर भी थे। तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं जो महिला और बाल अपराध संबंधी क्षेत्र में जो काम करते हैं, जो प्रिवेंशन का काम करते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं, सभी लोगों को उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर रखा ताकि हम एक दूसरे से समझ सकें कि क्या किस तरह से हम ऐसी कोई व्यवस्था बनाए जिससे कि हम लोग साथ मिल करके हम लोग अच्छे से अच्छा माहौल ऐसा बना सकें रायबरेली जनपद के लिए। इसमें कोई महिला या कोई बच्ची अगर घर से निकलती है तो बिना डर के निकले कि उसकी कोई छेड़खानी होगी या उसके खिलाफ कोई कुछ करेगा, कुछ कहेगा, उसकी डिग्निटी को कोई ठेस पहुँचेगा, बिना किसी डर के कुछ भी पहन करके किसी भी टाइम पर वो निडर वो निकल सके, ऐसा माहौल तैयार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे विचार विमर्श हुआ। और हम समझते हैं कि जितना हम लोग फोकस प्रिवेंशन पे करेंगे, जितना हम लोग फोकस पहले ही अगर हम क्राइम को नहीं होने देंगे।